अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मुस्तफ़ा फ्रॉम एम टी वीडियो फीवर और आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं लेंसेज को जो कि सेल्फी स्टिक और ट्राईपॉड के साथ आए थे, जो मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ। तो हम इसको जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं, जो कि daraz.pk से खरीदे गए। तो ये हैं वो लेंसेज जो कि ट्राईपॉड और सेल्फी स्टिक के साथ मिले। तो हम जल्दी से अनबॉक्स कर लेते हैं। इसके पहले डिब्बे में देख लेते हैं कि हमें क्या इंडिकेशन दी गई। इसमें लिखा है एक फिश आई लेंस है, एक इसकी क्लिप है, यहाँ पे एक लेंस, दो लेंस कैप मिलते हैं, मतलब इसमें दो लेंस है, और एक वाइड एंगल एंड माइक्रो लेंस मिलता है, और एक माइक्रो फाइबर लेंस क्लीनिंग क्लॉक बैग मिलता है। तो हम देख लेते हैं ये लेंसेज क्या करते हैं। इसमें लिखा है कि वाइड एंगल लेंस लार्जेस्ट रेंज को और कैप्चर करता है, और फिश आई लेंस जो है दुनिया को भी खूबसूरत बना देता है, और माइक्रो लेंस भी मेरे ख्याल से वाइड एंगल का ही काम कर रहा है, क्योंकि वाइड एंगल एंड माइक्रो लेंस एक ही उसमें लिखा है। तो अब हम इसको इस लेंस को टेस्ट कर लेते हैं कि ये कैसे काम करते हैं। बॉक्स को खोल लेते हैं। तो ये एक माइक्रो फाइबर क्लीनिंग लेंस क्लीनिंग क्लॉथ बैग मिलता है, जो कि इसके अंदर तो कुछ नहीं है, इट्स एम्प्टी। ये हमें क्लिप मिल जाती है, और ये लेंस है फिश आई लेंस है 180 डिग्री लिखा हुआ है, और ये इसका कैप है जो कि इस कुछ इस तरह लगता है। ये दूसरा लेंस है और ये इसका कैप है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 0.65 इंटू वाइड, और माइक्रो लेंस भी एक ही है जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब इसको एक मोबाइल फ़ोन में हम टेस्ट कर लेते हैं, जो कि हुआवे Y6 Pro है। तो हम इस लेंस को टेस्ट कर लेते हैं। हम पहले कैमरा खोल लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि आपको अभी किस तरह की तस्वीर आई है जबकि ये लेंस नहीं लगाया है। अब हम ये लगाते हैं, फिश आई लेंस है ये हम लगा के देखते हैं। लगाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा हमें दिखा रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का लेंस है और किस तरह की चीज़ हमें प्रोवाइड कर रहा है। एक फ़ोटो ले लेते हैं। तो ये है फ़ोटो जो कि थोड़ी ब्लर्ड लग रही है, और इसकी एक बुरी बात मुझे लगी है कि लेंस काफ़ी छोटा है, मेरे ख्याल से छोटे मोबाइल स्मार्टफोन के लिए है। आप देख सकते हैं क्या फ़र्क है, लेंस के बगैर इतनी है, लेंस के साथ काफ़ी ज़्यादा आपको चीज़ें दिख सकती हैं। तो अब हम टेस्ट कर लेते हैं इस वाइड एंगल या माइक्रो लेंस को। तो इसमें लगा के देख लेते हैं, ये खुलेगा ऐसे।
अब हम लोग ये लेंस लगा लेते हैं। मेरे हिसाब से सही से लग गया है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं, जो कि इनके हिसाब से ये एक वाइड एंगल एंड माइक्रो लेंस है। तो हम मोबाइल पे फोकस कर लेते हैं और आप देख सकते हैं अभी इतनी फ़ोटो आ रही है। इस लेंस को लगाते हैं, ये मेरे हिसाब से खूबसूरत करने का लेंस है, क्योंकि इससे फ़ोटो मुझे काफ़ी खूबसूरत लग रही है। एक शॉट खींच लेते हैं, ये देखें, ये हमें इस लेंस से मिली है जो कि मैक्रो एंड वाइड एंगल है। और ये फोटो हमें जो है फिश आई लेंस से मिली, खींचने को मिली है। तो आप देख सकते हैं ये खूबसूरत, काफ़ी खूबसूरत तस्वीर है। और हम ये भी देख लेते हैं, हमने अभी लेंस लगाए हुए हैं तो इतनी फ़ोटो है लेंस के, उसमें इतनी है। तो दोनों में फ़र्क मुझे सिर्फ इतना नज़र आया कि फ़िश आई लेंस काफ़ी ज़्यादा वाइड लेती है तस्वीर, और जो मैक्रो लेंस है वो काफ़ी खूबसूरत तस्वीर स्नैप करता है। तो ये थी एक वीडियो लेंसेज की, जो कि ट्राइपॉड और सेल्फी स्टिक के साथ आया था। इसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा draz.pk का। और मैं आपको ये बात याद दिला दूं, अगर आपने मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। अगर आपने फेसबुक पेज मेरा लाइक नहीं किया है तो मैं रिकमेंड करूँगा फेसबुक पेज भी ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँगा। अब तक के लिए यही, और वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, मुझे सजेस्ट कीजिएगा कमेंट्स में। अल्लाह हाफिज़।